Hello everyone, topic for today's discussion is window management in TCP. Mechanism समझने से पहले एक बार हम ये समझ लेते हैं कि window क्या होती है और इसका use क्या होता है. तो window actually maximum amount of data होता है जो हम receiver को send कर सकते हैं before an acknowledgement is received. दूसरी बात आती है windows use किस लिए होती है. तो window basically data flow control के लिए use होती है. एक बार एक example से समझते हैं. ये sender है, सपोज़ करिए ये रिसीवर है. सेंडर की कैपेसिटी इतनी है, रिसीवर की कैपेसिटी केवल इतनी है. अगर सेंडर अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग डेटा सेंड करेगा तो क्या होगा, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा जो है वो वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि वो ओवरफ्लो हो जाएगा, क्योंकि जो रिसीवर है उसकी कैपेसिटी सेंडर की कैपेसिटी कंपेरिजन में बहुत कम है. तो इससे बेटर है कि हम रिसीवर की कैपेसिटी पता कर लें और उसकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग उतना ही डेटा उसे भेजें. अब इसी के लिए विंडोज़ यूज़ होती हैं. चैनल इस्टेब्लिश होने पर रिसीवर अपनी कैपेसिटी सेंडर को एडवर्टाइज़ कर देता है कि मैं एक बार में इतना ही डेटा आपसे रिसीव कर सकता हूँ. यहाँ पर दो चीज़ें यूज़ होती हैं, एक होता है सीक्वेंस नंबर और एक होता है एक्नॉलेजमेंट. सीक्वेंस नंबर से ये पता चल जाता है कि नेक्स्ट एक्सपेक्टेड बाइट क्या होगी. एक्नॉलेजमेंट रिसीवर सेंडर को सेंड करता है कि आपने मुझे जो डेटा भेजा था मुझे वो रिसीव हो गया है. याद रखिएगा विंडो साइज इज एक्सप्रेस्ड इन बाइट. यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं. सपोज करिए ये फुल डुप्लेक्स है. फुल डुप्लेक्स का मतलब होता है सेंडर रिसीवर को डेटा सेंड कर सकता है और रिसीवर भी सेंडर को डेटा सेंड कर सकता है. इस केस में हमारे पास चार विंडो यूज़ होती हैं. दो विंडो यूज़ होती हैं सेंडर के पास और दो विंडो होती हैं रिसीवर के पास. पहला केस आता है जहाँ पे हम सेंडर से रिसीवर को डेटा सेंड कर रहे हैं. इस केस में हमारे पास सेंडर के पास सेंडर सेंडिंग विंडो होगी, रिसीवर के पास रिसीविंग विंडो होगी. दूसरा केस आता है जहाँ पे रिसीवर सेंडर को डेटा सेंड कर रहा है, उस केस में हमारे पास रिसीवर की सेंडिंग विंडो होगी क्योंकि वो डेटा भेज रहा है, और सेंडर की रिसीविंग विंडो होगी क्योंकि हमें डेटा मिल रहा है सेंडर में, कहाँ से, रिसीवर की तरफ से. तो यहाँ पर टोटल कितनी विंडो हो गई, चार. यहाँ पर जो हमने एग्जाम्पल लिया है वो हमने यूनिडायरेक्शनल कंसिडर किया है. यूनिडायरेक्शनल का मतलब होता है डेटा केवल एक साइड से भेजा जा रहा है. यहाँ एक मशीन ए है जिसको हम सेंडर बोल रहे हैं और एक मशीन बी है जिसको हम रिसीवर बोल रहे हैं. इस केस में हमारे पास केवल दो विंडोज़ होंगी. एक होगी ए की सेंडिंग विंडो क्योंकि ये डेटा भेज रहा है इसलिए सेंडिंग है, और एक है हमारे पास बी की रिसीविंग विंडो क्योंकि यहाँ पर डेटा रिसीव हो रहा है. अब मैकेनिज्म समझते हैं. ए जो है वो क्या है, सेंडर है, और बी क्या है, रिसीवर है. मैंने क्या बताया था, जब भी चैनल इस्टेब्लिश होता है तो क्या होता है, रिसीवर अपनी विंडो साइज़ एडवर्टाइज़ करता है. यहाँ पे इसका विंडो साइज़ क्या है, टू है. अब देखिए जैसे ही ए को क्या पता चला कि इसका विंडो साइज़ टू है, इसने सेगमेंट्स भेजना स्टार्ट कर दिया. इसने वन भेजा एंड टू भेजा. अब क्या होगा, क्योंकि साइज़ टू था तो यहाँ पर क्या करेगा, वेट करेगा. किस चीज़ का, कि हमें एक बार बी से एक्नॉलेजमेंट मिल जाए, उसके बाद देखते हैं कि क्या करना है आगे. अब यहाँ क्या हुआ, जो बी था मतलब जो रिसीवर था उसने ये दोनों सेगमेंट कंज्यूम कर लिए, और फिर ये क्या भेज देगा, एक्नॉलेजमेंट. इसने एक्नॉलेजमेंट भेजा थ्री. अब समझते हैं ये थ्री एक्नॉलेजमेंट में का सिग्निफिकेंस क्या है. सबसे पहली बात, ये बताएगा कि ये दोनों बाइट्स जो आए थे, ये दोनों सेगमेंट्स जो आए थे, मैंने वो कंज्यूम कर लिए हैं, तो जो मेरी विंडो है वो ओपन हो गई है, फिर से आप डेटा सेंड कर सकते हो. दूसरी चीज़, इसका मतलब है इसने थ्री भेजा, इसका क्या मतलब है कि नेक्स्ट एक्सपेक्टेड बाइट जो है वो थ्री है. मतलब आप जो नेक्स्ट डेटा भेजोगे वो मुझे कहाँ से भेजोगे, थ्री से भेजोगे. और क्योंकि मेरा विंडो साइज़ कितना है, टू, तो आप मुझे कितना भेज सकते हो, दो. तो यहाँ पर इसने, क्योंकि ये थ्री था तो यहाँ पर थ्री और फोर भेजा. क्योंकि विंडो साइज़ मेरा टू था इसलिए यहाँ पे मेरे पास थ्री और फोर आया, मतलब टू आए. जैसे यहाँ पे वन और टू आए थे क्योंकि हमारे पास विंडो साइज़ क्या था, टू, तो इसलिए पहले हमारे पास वन आया था, टू आया था. सिमिलरली जब वो कंज्यूम हो गया तो इसने एक्नॉलेजमेंट भेजा थ्री, तो जिससे हमारे पास क्या आया, थ्री एंड फोर आया. अब देखिए एक और चीज़ समझते हैं, जो विंडो साइज़ है वो इंक्रीज़ और डिक्रीज़ हो सकती है डायनेमिकली. इसका मतलब है रन टाइम पे. एक एग्जांपल से समझते हैं. ये हमारे पास क्या है, सेंडर, ये रिसीवर. ये फ्रेश एग्जांपल है, ठीक है. ये सेंडर है, ये रिसीवर है. अब
रिसीवर अपनी विंडो साइज एडवर्टाइज करेगा जैसे ही चैनल इस्टेब्लिश हो जाएगा। इसने अपनी विंडो साइज क्या बताई, इस बार इसकी विंडो साइज 1 है। जैसे ही ए को इसकी विंडो साइज पता चली, उसने क्या किया, एक सेगमेंट सेंड कर दिया। इसके बाद क्या होगा, वो रुक जाएगा एक्नॉलेजमेंट के लिए। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे दो चीज़ें आई हैं, एक एक्नॉलेजमेंट आया है और एक विंडो आई है। यहाँ एक्नॉलेजमेंट कितना आया है, 2, जो क्या बताएगा कि नेक्स्ट एक्सपेक्टेड कहाँ से आएगा, 2 से आएगा। और यहाँ पे विंडो साइज़ क्या हो गया, 2 हो गया। पहले यहाँ क्या था, 1, अब क्या हो गया, 2 हो गया। तो ये डायनेमिकली चेंज हो गया है ना, तो ये यही चीज़ है। अब क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एक्नॉलेजमेंट 2 आया था, तो मेरे पास जो नेक्स्ट सेगमेंट्स होंगे वो कौन से जाएंगे, 2 से जाएंगे और 3 से जाएंगे। और यहाँ पे विंडो साइज़ क्या है, 2, तो यहाँ पे इसीलिए 2 गया है और 3 गया है। पहले क्या था, 1 गया, 1 था, तो क्या गया था, केवल 1 गया था। अब हमारे पास क्या हुआ, जब 1 कंज्यूम हो गया तो उसके बाद फिर से बी ने एडवर्टाइज़ किया, तो यहाँ पे 2 आया। तो यहाँ पे इसने 2 और 3 भेजा, और क्योंकि विंडो साइज़ 2 था इसलिए 2 सेगमेंट्स आए हैं। मान लो यहाँ पे अगर अभी भी 1 ही होता ना, तो ये केवल क्या भेजता, 2 भेजता, ठीक है। अब नेक्स्ट इसने क्या भेजा है, एक्नॉलेजमेंट 4, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्या जाएगा बताइए, तो नेक्स्ट अब यहाँ पे जाएगा 4। एक बार समराइज़ कर लेते हैं जो भी पढ़ा है। सबसे पहली चीज़, विंडो क्या होती है, तो विंडो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डेटा होता है जो हम रिसीवर को सेंड कर सकते हैं बिफोर एन एक्नॉलेजमेंट इज़ रिसीव्ड। विंडो यूज़ किस लिए होती है, डेटा का फ्लो कंट्रोल के लिए। तीसरी चीज़, यहाँ पे सीक्वेंस नंबर और एक्नॉलेजमेंट होता है। सीक्वेंस नंबर बताता है नेक्स्ट एक्सपेक्टेड बाइट क्या है, और एक्नॉलेजमेंट बताता है कि सेंडर के पास जो भी रिसीवर, सेंडर ने जो भी रिसीवर को भेजा है वो उसे मिल गया है। याद रखिएगा, यहाँ पे बाइट्स में एक्सप्रेस्ड होती है जो विंडो साइज़ होती है, और तीसरी चीज़ विंडो साइज़, सॉरी जो लास्ट है वो विंडो साइज़ आपकी डायनेमिक होती है।